by one mole of ideal gas, one mole of ideal gas at STP, at STP standard temperature pressure is called molar volume. बेटे दोहरा लेंगे, repeat कर लेंगे. वन मोल आइडियल गैस होगा, उसने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम आपको पाई करना है उसे हमने मोलर वॉल्यूम कहते हैं. बट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या वैल्यूज बेटे होती हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और बेटे स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm होता है. ये यूनिट है ना 1 atm और 273 केल्विन. ये बेटे टेम्परेचर वाले हो गए, वो बेटे किसके हो गए? प्रेशर वाले हो गए. ये बेटे किसके बराबर होता है? ये बेटे मोलर वॉल्यूम कह रहे हैं. इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू बेटे होती है कितनी होती है जरा देखना बेटे. इसकी वैल्यू होती है 22.414 dm³ r या बेटे 22.414 cm³. इसकी वैल्यू भी होती है 22.414 या 22.414 cm³ होती है. अब हम देखते हैं कि क्या सूत्र दिया है बेटे. ये मैंने लिखा 22.414 dm³ मैंने लिख दिया. और कब लिखा बेटे? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. और इसको देखते हैं किस तरह से हमें इसको बेटे यूज करना है, देखना है, गौर करना है. अब मैं बहुत सारी चीज़ें बेटे ले रहा हूँ, इधर से शुरू कर रहा हूँ और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसमें फ़र्क क्या है. ये देख लो बेटे तीसरी एग्जाम्पल, चौथी एग्जाम्पल, इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन पहले ये तो ले रहे हैं. मैंने 1 mole हाइड्रोजन गैस ली है. कितने ग्राम बने बेटे? जस्ट 2 ग्राम बने. और उसका वॉल्यूम इतना है. इसका मतलब ये हुआ कि 1 mole में एसटीपी पे इतना ही होना है. 1 mole एसटीपी पे इतना ही होना है. और मॉलिक्यूल देखेंगे कितने. मैंने क्या किया बेटे, मैंने 1 mole O2 ले लिया. O2 क्या होता है बेटे? 16 + 16 कितना बना बेटे? 32 ग्राम बन गया. 32 ग्राम बन गया. वॉल्यूम यही है. और बेटे फिर मैंने क्या किया, मैंने बेटे के 1 mole N2 ले लिया. N2 40 + 40 कितना होता है? 28. बेटे 28 ग्राम टोटल बना. 28 ग्राम बना तो फिर बेटे उसका वॉल्यूम फिर भी वही है. और बेटे आगे बढ़ रहा हूँ, 71 ग्राम मैंने क्लोरीन ले लिया. बेटे इसमें कितना बना? 1 mole क्लोरीन, 1 mole क्लोरीन. और 35.5 एक का था, 71 ग्राम बना मोल तो फिर भी एक बना. इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा भी जितनी गैसे मैं 1 mole लूंगा एसटीपी पे लूंगा उसका वॉल्यूम इतना होना है. और अगर वॉल्यूम इतना होना है तो हार के अंदर ये चारों के अंदर या 10 के अंदर या 20 के अंदर क्या चीज सेम होगी बेटे? इधर आऊंगा तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इधर आऊंगा तो इसके भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इधर आऊंगा तो इसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इधर आऊंगा तो इसके भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे. इसका मतलब ये हुआ जब भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो गैस होंगे एसटीपी पे उसने जगह इतनी घेर ली, उसने जगह नहीं बदलनी बेटे, उसने जगह नहीं बदली. और कर लो बेटे जवाब हमारे पास आ गए. अब आगे बढ़ता हूँ. अब मुझे आपने बताना है ये चारों गैसेस डिफरेंट हैं या सेम हैं? हमने कहा ये अलग अलग हैं. चारों के मैसेज अलग थे या नहीं थे? मैसेज अलग थे. इसका मतलब किसी के मॉलिक्यूल बड़े थे किसी के छोटे थे, बिल्कुल सच बात है. लेकिन बेटे मॉलिक्यूल बड़े हों या छोटे हों, जब मॉलिक्यूल की तादाद बराबर हो जाती है तो वॉल्यूम बराबर हो जाता है. इसी को मोलर वॉल्यूम कहा जाता है. क्लियर हो गया? अब इस मोलर वॉल्यूम से हमने बेटे मोल्स कैसे पता करने हैं? बेटे मोल्स ऑफ गैस अगर पता करने हो, मोल्स ऑफ गैस पता करने हो तो दो तरीके आपको याद रख लेने चाहिए. पहले नंबर पे क्या करना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ गैस.
1.414 उसमें डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएंगे गैस के। और बेटे फिर लिख रहा हूँ मोल ऑफ गैस, गैस के अगर मोल पता करने हो ऊपर आप क्या लिखोगे, ऊपर बेटे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम लोगे किस में बेटे, एन सी एम क्यूब एट एस टी पी, और डिवाइड कितने करोगे 22.414 पे, आपके पास बेटे मोल्स ऑफ गैस भी आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ हमने कुछ चीज़ें सीखी, वो क्या चीज़ें बेटे सीखी, पहली बात हमने सीखी कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो डिपेंड करता है, मैं इधर ही लिख देता हूँ, वी ऑफ गैस का ताल्लुक किससे होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस का ताल्लुक किससे होता है, ध्यान करते जाना बेटे, वॉल्यूम ऑफ गैस का ताल्लुक इन चीज़ों से होता है और इनसे नहीं होता, देखते हैं कौन बेटे, ये गैस का वॉल्यूम मोल डिपेंडेंट है, मोल ऑफ गैस से इसका ताल्लुक है, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है बेटे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की तादाद से भी इसका ताल्लुक है, डिपेंडेंट है उससे भी इसका ताल्लुक है बेटे, दो है। तीसरे नंबर पे बेटे साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मॉलिक्यूल के साइज से कोई ताल्लुक नहीं है, शेप से, शेप ऑफ मॉलिक्यूल से, शक्लें जो मॉलिक्यूल है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और बेटे इसके अलावा साइज, शेप, ज्योमेट्री से ऑफ मॉलिक्यूल से कोई ताल्लुक नहीं है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल शक्लें जो होती हैं एंगुलर लीनियर उससे कोई ताल्लुक नहीं, ज्योमेट्री से कोई ताल्लुक नहीं बेटे, डायामीटर से कोई ताल्लुक नहीं, डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के डायामीटर से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं। फिर बताओ बेटे फिर ताल्लुक कैसे, मोल से और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, मोल से और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ताल्लुक है, ना साइज से, ना शेप से, ना ज्योमेट्री से, ना डायामीटर से, वजह क्या होती है, क्यों ऐसा होता है बेटे, क्यों इस तरह से होता है, वजह ये होती है इन गैसियस स्टेट, गैस की शक्ल में, इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट की शक्ल में जी बेटे गैस मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं कहाँ होते हैं बेटे, गैस के मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं, आर 300 times 300 गुना, 300 times होते हैं, 300 गुना दूर होते हैं, किसके मुकाबले में, 300 गुना दूर होते हैं, डिस्टेंस होता है उनके दरमियान 300 times, अभी देन देयर डायामीटर, देन देयर देयर डायामीटर अपने डायामीटर के मुकाबले में 300 गुना दूर होते हैं, इसलिए बेटे जो डिस्टेंस होता है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स वो उनके डायामीटर के मुकाबले में 300 times दूर होता है, अभी होता है तो उनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है, ये हमारा बेटे जवाब आ गया। अब दोबारा मुझे बता दो बेटे मोलर वॉल्यूम होता क्या है, हमने कहा जी मोलर वॉल्यूम ये होता है कि 1 मोल आइडियल गैस ने बेटे एस टी पी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना फासला, कितना वॉल्यूम घेरना है, उसका नाम हमने रखा हुआ होता है कि दैट इज मोलर वॉल्यूम। अब बेटे हमने अभी सीख भी लिया मोल कैलकुलेट करने हो हम मोल भी कैलकुलेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 कर रहा हूँ पेज नंबर 17 पे, एग्जाम्पल नंबर 10 करने लगा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10 कर रहा हूँ और इसमें देखते हैं क्या सूरत हाल। एग्जामिनर हमें कह रहा है बेटे कि गैस है हमारे पास उसका वॉल्यूम 500 cm³ है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस है एस टी पी इज इक्वल टू 500 cm³, ये हमें एग्जामिनर बता रहा है, कह रहा है जी दूसरे नंबर पे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जी जो इसका मैस मैंने पता किया वो भी मैंने ढूंढ लिया, मैस ऑफ गैस, गैस का जो मैस कह रहा है वो भी कहते हैं मैंने ढूंढा हुआ है, 0.72 grams है, कह रहा है मुझे मोलर मैस ऑफ गैस
करके दो, मुझे गैस का मोलर मास पता करके दो, ये काम मुझे पता करके बताओ। लेकिन क्या करेंगे, इसका मतलब है मोलर मास तो तब निकलेगा जब इसके मोल पता कर लें। किसके बना, ये 500 वाले मोल पता लग जाएंगे फिर सारे काम हो जाएंगे। फिर दो रास्ते आपको बता रहा, दो पाथ बता रहा, दो तरीके आपको बता रहा हूँ इसको हल कैसे किया जा सकता है। एक तरीका बुक की तरह से, एक तरह हमारी अपनी सोच की तरह से। पहला तरीका बुक की तरह से, हमें पता है, वी नो, हमें पता है किस चीज़ का पता है। गौर करना बेटे कि हमारे पास 22414 cm³ गैस हो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, हमारा जवाब क्या आ जाएगा। हमारा बेटे इतना हो तो एक मोल का जवाब आता है। सोच लो मैंने CMQ में लिखा है, अगर मैं DMQ में लिखता तो मैंने लिखा 22.414 DMQ। मैंने क्यों लिखा CMQ में बेटे, क्योंकि उसने CMQ में दिया हुआ है। एक मोल आ गया, अगर 1 CMQ होता तो फिर मेरा जवाब क्या आता, 1/22414। कहता है अगर मेरे पास असल में 500 CMQ है, असल में 500 CMQ है, फिर जवाब क्या आएगा। हम कहेंगे 1/22414 × 500। इसको अगर बैठे हम मल्टीप्लाई कर दें इसी तरीके से तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा 0.0223 आ जाएगा, 0.0223 मोल हमारे पास मोल आ गए। कितने आ गए मोल बेटे, 0.0223 मोल आ गए। तो जवाब हमने निकाले, ये 500 कहाँ से आया बेटे, क्वेश्चन में था। अब हम इसका दूसरा मुतबादल भी करने लगे, देखते हैं मुतबादल कैसे करें बेटे। डायरेक्ट मोल बनाए गैस के, मोल ऑफ गैस का फार्मूला क्या है, अभी हमने लिखा भी था बेटे, ऊपर हमने लिखा था वॉल्यूम इन CMQ, CMQ में वॉल्यूम ले लो एट STP और डिवाइड किस पर कर दो बेटे, 22414 पे। आपको याद होगा हमने अभी दो फार्मूले लिखे थे बेटे, और अभी हमने वही फार्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, लगा दिया। ऊपर वैल्यू कितनी लिखनी है, 500, ऊपर वैल्यू कितनी लिखनी है, 500 बेटे। ऊपर लिखा हमने 500, नीचे हमने लिखा 22414, हमारे मोल आ गया 0.0223 मोल बेटे। बताइए पहले कितने आए थे, यही बारे आए थे, और अब कितने आए, यही बारे आए। फर्क तो कोई ना पड़ा, फर्क तो कोई ना पड़ा। अब हमने क्या करना है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम चाहे इस तरीके से आगे बढ़ रहे, आपकी मर्जी है, इस तरीके से आगे बढ़ रहे फिर भी ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ रहे फिर भी ठीक। अब क्या करें, कह रहे मुझे तो मोलर मास बताओ। हम कहेंगे हमें पता है, क्या पता है बेटे, वही नो, हमें पता है कि मोल जो होते हैं बेटे, मोल बराबर होते हैं मास इन ग्राम्स, बेटे मास इन ग्राम्स के बराबर होता है ओवर मोलर मास होता है, ओवर मोलर मास होता है। अगर मोलर मास पता करना हो, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले लो, ये लो जो मोलर मास पता करना है, फिर क्या करो, मास इन ग्राम ऊपर ले लो, मास इन ग्राम ऊपर ले लो, मोल पे डिवाइड कर, मास इन ग्राम ऊपर ले लो, मोल पे डिवाइड कर। क्या आपके पास में मास इन ग्राम मौजूद है, क्या आपके पास मास इन ग्राम मौजूद है, और क्या आपके पास मोल मौजूद है, मोल मौजूद है बेटे, मोल्स मौजूद है कि नहीं, मोल्स भी हमारे पास मौजूद है। लिखवाओ बेटे दोनों चीजें, ये मैंने ऊपर लिखा बेटे मास इन ग्राम कितना था, 0.72 ग्राम मोलर मास मैंने पता करना था, तो मैंने नीचे क्या लिखना था, नीचे लिखने थे मोल 0.0223 मोल। अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर तो जो आएगा आएगा बेटे, आंसर तो जो भी आएगा वो पता रहेगा, ये बेटे जरा 32 आंसर आ गया। ये लिखा हुआ ग्राम, मैंने ग्राम साथ लिख दिया, ये नीचे लिखा हुआ मोल मैं ऊपर ले गया हूँ, लिखा मैंने पर मोल। मुझे बताओ 32 ग्राम पर मोल, क्या ग्राम पर मोल मोलर मास के साथ लगे होते हैं बेटे, जो यूनिट होते हैं इसको एक्सप्रेस इसमें किया जाता है, ये हमारा जवाब बेटे इसमें आ जाता है। आगे चलते हैं, स्टोइकोमेट्री।
अगली बात बेटे हम पढ़ रहे हैं स्टेक्योमेट्री, और ये क्या कहती है बेटे, ये लफ्ज दो लफ्जों से बना हुआ है, एक है बेटे स्टेशन स्टेटियन और ये लफ्ज है बेटे, और दूसरा होता है मीटरी, इसका मतलब बेटे होता है एलिमेंट, और मीटरी का मतलब होता है मेजरमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मीनिंग ये बना कि ये एलिमेंट की मेजरमेंट को कहते हैं, एलिमेंट की पमैश को कहते हैं। अब देखते हैं बेटे ये तो होगी उसकी लफ्जों में तर्जमा हमने कर दिया, अब हम चेक करते हैं कि इसकी असली डेफिनेशन बेटे क्या बनती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद, जो बहस करती है, विच डील्स विद, जो बहस करती है, डील्स विद द स्टडी ऑफ, डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव मिकदारों वाला, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बात करता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आपको पता है रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, एंड प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट के दरमियान, ठीक है बेटे, इन रिएक्शन, इन रिएक्शन में एज शोन बाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बाई बैलेंस्ड मुतवाजन केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने जिस तरह में बताया, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं, इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री, उसका नाम स्टोइकोमेट्री हम रख देते हैं, उसका नाम स्टोइकोमेट्री रख देते हैं। गौर करो बेटे क्या क्या लफ्ज इसके अंदर आ गया हमारा, इसके अंदर लफ्ज आ गया बेटे, एक क्वांटिटेटिव स्टडी का नाम ताल्लुक रिलेशनशिप दो चीजों के दरमियान, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट, लेकिन शर्त यह है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास हो तब उसका नाम स्टोइकोमेट्री रखा जाएगा। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो बहस करती है स्टडी के बारे में मिकदारों वाले ताल्लुक के, जो मिकदारों वाला ताल्लुक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दरमियान होगा, किसके लिए, जिस तरह केमिकल इक्वेशन ने हमें समझाया हुआ है उसका नाम हम स्टोइकोमेट्री रखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि स्टोइकोमेट्री असल में क्या हुई, हमने कहा इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशंस, ये इक्वेशन बेस्ड केमिकल इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशंस को, इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशंस को हम बेटे स्टोइकोमेट्री का नाम देते हैं, इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन को स्टोइकोमेट्री का बेटे नाम देते हैं। कौन कौन से लॉज हैं जिसकी बुनियाद पर हमने इसे डील करना है, फॉलोइंग लॉज आर फॉलोड, ये वाले लॉज जो होते हैं, लॉज आर ओबेड, ओबे किए जाते हैं बेटे कब, ड्यूरिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, अगर आपने स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को देखना है, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को आपने बेटे देखना है तो फिर क्या करना चाहिए, फिर आपको इन लॉज की मदद लेनी चाहिए। पहला लॉ कौन सा है बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की मदद लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की मदद लेनी चाहिए, एक मदद लेनी चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की और एक मदद लेनी चाहिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। ये क्या कहता है ऊपर वाला लॉ, ये लॉ कहता है कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड वन, मस्ट बी बैलेंस्ड वन, ये इक्वेशन कहता है, ये लॉ कहता है जो इक्वेशन आपने यूज करनी है मुतवाजन होगी, जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने प्रोडक्ट में भी होंगे, अगर ना बराबर हुए तो फिर सारा कुछ ही रॉन्ग हो गया। ये क्या कहता है बेटे,
करेक्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड, करेक्ट फार्मूला मस्ट बी रिटन, करेक्ट फार्मूले लिखने हैं, ये नहीं कि अपनी मर्जी से फार्मूले भी बना लें और कैलकुलेशन शुरू कर दें, कैलकुलेशन कोई नहीं होगी। मैं शॉर्टकट देता है, मसलन बेटे हमने कैलकुलेशन वाटर की करनी है, हमें वाटर का फार्मूला नहीं आता, कभी हम कहते हैं H4O होता है, कभी कहते हैं H5O होता है, फिर हमने क्या कैलकुलेशन करनी है। जब तक वाटर का फार्मूला आपको H2O नहीं पता, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब बेटे ये दो लास्ट की आपने रखनी है, मदद लेनी है, फिर क्या करना है, फिर आपने assumptions, following assumptions, ये वाले मफरूजे assumption, फर्जी बातों को कहते हैं assumptions, ठीक है बेटे। Following assumptions are considered, consider कर ली जाती हैं for stoichiometric calculations। अगर आप stoichiometric calculations करते हो, कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो ये वाली फर्जी बातें भी आपने अज्यूम कर लेनी है, सोच लेनी है। ये परमिशन है एग्जामिनर की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से इजाजत है कि आपने ये फर्जी बातें मफरूजे मान लेने हैं, मफरूजे आपने मफरूजे मान लेने हैं। पहला मफरूजा क्या है, पहली फर्जी बात क्या है, आर रिएक्टेंट्स, all reactants completely change into products, completely mukammal taur pe completely change into products, sare ke sare reactant change into products, koi shay bachi nahi। halanki bete aisa hota nahi hai, lekin hum soch rahe hain ki aisa hi hua, jitna reactant hame diya tha sara product ban gaya, hum soch rahe hain hame permission mili hui hai, ijazat mili hui hai। dusre number pe kya kahe, no साइड रिएक्शन, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ, नो साइड रिएक्शन, अगर कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ टू फॉर्म बनाने के लिए बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ जो हम सोच रहे हैं। हालांकि बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, लेकिन हमारे सोचेंगे हम कहते नहीं, सारे रिएक्टेंट आ रहे थे, सारे प्रोडक्ट बन गए और कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ, सारा वही रिएक्शन हुआ जो हम सोच रहे थे, जो मेन रिएक्शन था वो ये केला वो है और उससे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना। अगर आप ये सारे काम आप कर लो, फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस कैलकुलेशन में कौन कौन से स्टोइकोमेट्रिक, कौन कौन से स्टोइकोमेट्रिक बेटे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स कौन से हो सकते हैं, स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो तीन याद रखने। पहला, पहला कौन सा है, नंबर वन, पहला कहते हैं कि मैस मैस रिलेशनशिप, मैस मैस रिलेशनशिप याद रखना, कल हम डिटेल्स की ले लेंगे, रिलेशनशिप मैस मैस रिलेशनशिप, मैस मैस रिलेशनशिप। दूसरी किस्म को क्या कहते हैं, दूसरी को कहते हैं बेटे मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, बहुत सारी किस्में हो सकती हैं, मैं तो खैर बहुत ही देख रहा हूँ ना बेटे, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरे नंबर पे बेटे हमारे पास वॉल्यूम के साथ साथ क्या हो सकता है, मैस मैस की हमने बातें की हैं, मैस मोर रिलेशनशिप, मैस मोर रिलेशनशिप, डिटेल लेंगे फिर हम, अभी सिर्फ जुबान पे चढ़ा लीजिएगा, सोच लीजिएगा रिलेशनशिप। और एक में चौथा लिख रहा हूँ वो कौन है, वो है बेटे मोर मोर रिलेशनशिप, मोर मोर रिलेशनशिप। तो बेटे गौर कर लो कितनी मैंने रिलेशनशिप्स बताए, चार आपको बताए, फोर बताए, कौन कौन से चारों हैं बेटे, पहला कौन सा हो गया मैस मैस, दूसरा कौन हो गया मैस की मदद से वॉल्यूम या वॉल्यूम से मैस निकालना, तीसरा कौन सा हो गया मैस मोर, और चौथा कौन हो गया मोर मोर रिलेशनशिप। इसका मतलब स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप हमारे पास तीन तो लाजमी लिखने हैं, मैंने चार लिखे हैं बेटे। पहली किस्म कौन सी होगी मैस मैस, दूसरी क्या हो गई बेटे मैस वॉल्यूम, तीसरी कौन होगी मैस मोल, चौथी होगी मोल मोल, ठीक है बेटे।
ये काम आपने पढ़ लेना है, कल हम इसी रिलेशनशिप से आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।